आप देख रहे हैं दी इंडियन नेस्ट पर आज का इतिहास। मैं हूं प्राची तिवारी। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था। दरअसल सिक्किम के चौग्याल को उनके ही घर में नज़रबंद कर दिया गया था भारतीय सेना के द्वारा, जिसके बाद एक जनमत संग्रह सिक्किम में कराया गया था। दरअसल 6 अप्रैल 1975 की सुबह सिक्किम के चौग्याल के राजमहल को भारतीय सेना ने चारों तरफ से घेर लिया और चौग्याल को उनके महल में ही नजर बंद कर दिया गया था, जिसके बाद सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह में 97.5% लोगों ने भारत के साथ जाने की वकालत की और बस इसी के साथ सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने का संविधान संशोधन विधेयक 23 अप्रैल 1975 को लोकसभा में पेश किया गया और उसी दिन इसे 299-11 के मत से पास कर दिया गया। लेकिन राज्यसभा में इस बिल को 26 अप्रैल को पास होने के बाद सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। आज ही के दिन 1920 में फेमस मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन का निधन हुआ था। महज 12 साल की उम्र में रामानुजन ने ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल कर ली थी। बचपन से ही विलक्षण प्रतिभावान रहे रामानुजन ने खुद से गणित सीखा और अपने जीवन भर में गणित के 3,884 थ्योरम्स का संकलन किया। आज ही के दिन पहली बार बॉम्बे गैजेट को 1841 में रेशम के कपड़े पर प्रकाशित किया गया था। आपको बता दें कि शुरुआत में 1789 में बॉम्बे हेराल्ड के रूप में स्थापित किया गया था। इस अखबार का नाम 1791 में बॉम्बे गैजेट में बदल दिया गया था। ये लंबे समय तक शहर का प्रमुख पत्र बना रहा और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को कवर किया गया। बॉम्बे गैजेट और बॉम्बे कूरियर बॉम्बे में प्रकाशित सबसे पहले अंग्रेजी भाषा के भारतीय समाचार पत्र थे। आज ही के दिन 1961 में जम्मू कश्मीर रियासत के आखिरी शासक महाराजा हरि सिंह का निधन हुआ था। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई से डरकर महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी थी और भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर को भारत में मिलाने की बात कही थी, जिसके बाद महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार से समझौता कर जम्मू और कश्मीर को भारत में मिलाने की घोषणा की थी। आज ही के दिन साल 1993 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक बोइंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें करीब 60 लोगों की मौत हो गई थी। आज ही के दिन साल 1897 में भारत के प्रसिद्ध निर्देशक और लेखक नितिन बोस का जन्म हुआ था। आपको बता दें, नितिन बोस भारतीय सिनेमा के प्रारंभिक समर्थकों में से एक थे, जिन्होंने साल 1935 में बंगाली फिल्म भाग्य चक्र से फिल्मों में पार्श्व गायन की शुरुआत की थी। बाद में यही फिल्म हिंदी में धूप छांव नाम से बनाई गई थी। नितिन बोस ने अपने सिनेमा करियर में 6 मूक फिल्मों सहित 50 से ज्यादा फिल्मों का निर्देशन किया था। आज ही के दिन साल 1928 में मोम की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मैडम तुसाद प्रदर्शनी लंदन में दिखाई गई थी। आपको बता दें कि इसकी स्थापना 1835 में मोम शिल्पकार मैरी तुसाद ने की थी। इस प्रदर्शनी में दुनिया भर के जाने माने लोगों की मूर्तियां लगाई जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप दी इंडियन न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।